हेलो एंड वेलकम टू तमन्स किचन। आज हम आप लोगों के साथ गाजर के खीर की रेसिपी शेयर करेंगे। इसको बनाने के लिए हमने लिया है 2 गाजर, जिसे छीलकर धोकर ग्रेट कर लिया। बासमती चावल 1/2 कप, इसे भी धोकर आधे घंटे के लिए भिगो लिया और दरदरा सा ग्राइंड कर लिया। 1/2 कप शक्कर, दूध 1 लीटर, घी 2 बड़ा चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच। हमने गैस पे दूध रखा था बॉयल होने के लिए। अब बॉयल हो चुका है, उसमें चावल डालेंगे। हम इसमें चावल डाल दिया है और चावल डालने के बाद इसको चला लेना है और गैस को मीडियम कर देना, नहीं तो वो अंदर चिपक जाएगा, लम्स बन जाएंगे। चावल डालने के बाद भी बॉयल होना चाहिए। तब ये बॉयल हो चुका है, गैस को मीडियम करेंगे। तब तक हम गाजर फ्राई कर लेते हैं। हमने पैन रखा, पैन गर्म हो गया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी मेल्ट हो गया, अब ये गाजर डाल देंगे। गाजर डालकर इसको हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डायरेक्ट गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको डालने के बाद थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है घी में फ्राई करने के बाद। फ्लेम अभी हाई रहेगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं, हल्का सा फ्राई करना है। बस ये हो चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे और चावल को देख लेते हैं। अब चावल अच्छे से पक चुका है, अब इसमें हम गाजर डालेंगे। गाजर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस अभी मीडियम ही रखेंगे। जब थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा, फिर इसमें हम शक्कर डालेंगे। चलाते रहें, नहीं तो ये अंदर चिपक जाएगा। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे और ये इलायची पाउडर, दोनों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर टेस्ट कर लेना है, अगर कम लगता है तो आप क्वांटिटी कम कर दें और ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा कर दें। हमने इसमें मावा नहीं डाला है,
आप चाहें तो डाल लें, वैसे हर चीज़ में मावा डालना ज़रूरी नहीं होता है। जब हम ट्रेडिशनली बनाएंगे या फिर पार्टी वार्टी के लिए तो फिर थोड़ा सा उसमें डाल सकते हैं। उसकी वीडियो मैं आप लोगों को बाद में दे दूँगी। इसको थोड़ा सा थिक और करना है। अब ये तैयार हो चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे और सर्व कर लेंगे। जितना मुझे थिकनेस चाहिए था ये हो चुका है, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर ही ऑफ करना है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा जब हो जाएगा तो सर्व कर लेंगे। गाजर के खीर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।